वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल या फिर रीडिंग मीटर के बारे में। अब ये क्या होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल या फिर रीडिंग मीटर, कैसे इम्प्लीमेंट होगा और मोर इम्पॉर्टेंटली क्यों इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए और क्यों वाला क्वेश्चन क्यों आ रहा है। ओके, देखो इस चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं मैं कोशिश करता हूँ ये सब के लिए हो, यानी कि एक बिगिनर भी अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करे और एक इंटरमीडिएट या फिर एक एक्सपीरियंस्ड यूज़र भी अपनी वेबसाइट पे उसको इम्प्लीमेंट करे। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आता है ये ध्यान में रखते हुए कि इसे बिगिनर को भी समझ आनी चाहिए। तो आप मेरे किसी भी वीडियो को स्किप मत करो, पुराने वीडियो की भी बात कर रहा हूँ और आने वाले वीडियोज़ की भी। मैं गारंटीड श्योर हूँ कि हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करने का। आपको क्या देना है, 5 से 10 मिनट एक वीडियो पे। बिलीव मी, आप किसी भी वीडियो को देख के रिग्रेट नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही 1 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि ये वीडियो मेरे काम का नहीं है या फिर ये मुझे नहीं चाहिए। यार वीडियो थोड़ा देख तो लो, मैं श्योर हूँ कि आपको जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो आप अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है, दिस इज आर ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आ रहा है एक ब्लॉग सेक्शन। सिंपली आप किसी भी ब्लॉग पे क्लिक करिए, ऑब्वियसली आप आ जाएंगे इस पेज पे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए ऊपर एक रीडिंग मीटर आ रहा है। लेट मी जूम इट, यहाँ पे देखिए ये एक रीडिंग मीटर है। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो रीडिंग मीटर आगे बढ़ रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, और ऊपर करूँ तो यहाँ पे देखिए एक अपर साइड में स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि बैक एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ स्क्रॉल हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये यूज़र को बता रहा है कि हमारी आर्टिकल कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस एक अच्छा इम्प्रूव हो सके, यूज़र एक अच्छी एक्सपीरियंस ले सके। एक्सपीरियंस लेने से ये है कि अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमें डिसाइड हो पा रहा है कि इस आर्टिकल का लेंथ कितना है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार राइट साइड में भी तो है, लेकिन जब यूज़र आर्टिकल पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो राइट साइड में नहीं, सेंटर में या फिर अपर साइड में देखता है। अगर हम इसे मोबाइल व्यू में देखें तो देखिए साइड में मोबाइल में ये स्क्रॉल उतनी दिखती भी नहीं है, नहीं दिखती है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से दिखेगा और यूज़र को पता चल जाएगा कि इस आर्टिकल की लेंथ कितनी है और हमने कितना पढ़ लिया। तो कहीं ना कहीं यूज़र कम्फर्टेबल होगा, कम्फर्टेबल होगा तो आपकी साइट पर लंबा समय तक रुकना चाहेगा, और लंबे समय तक रुकेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बाउंस रेट मेंटेन होगी एंड दिस कैन हेल्प यू टू रैंक योर वेबसाइट, या फिर हम ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं वाया सम SERP चेंजेस। SERP चेंजेस का मतलब है सर्च इंजन में जो रैंकिंग होती है आपके रिजल्ट की, उसमें इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। ऑलराइट, बातें बहुत हो गई लेकिन मैं आपको मेक श्योर कराता हूँ कि अब से बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, मतलब कि 1 मिनट का काम है। मैंने स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट और HTML सब मर्ज करके एक ही साथ बना दिया है जिसे आप एक जगह पेस्ट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आपको मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम ये कोड कॉपी कर लेते हैं एंड ऑब्वियसली हमें अपने डैशबोर्ड में जाना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे टेकी ड्राइवर वाले वेबसाइट पर। बेसिकली इसी वेबसाइट पर हम सारे एक्सपेरिमेंट या फिर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें बिना प्लगइन का इम्प्लीमेंट होगा। आपको आ जाना है यहाँ पे अपीरियंस में, उसके बाद क्लिक करना है जनरेट प्रेस पे। बाय द वे हम जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्रीमियम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एलिमेंट का ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय जनरेट प्रेस प्रीमियम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, इवन 90% ऑफ एज कम्पेयर दैन ऑफिशियल जनरेट प्रेस वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और आप किसी भी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एलिमेंट आपका ऑन होना चाहिए, उसके सामने डीएक्टिवेट लिखा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डीएक्टिवेट है, इसका मतलब ये है कि ये डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली आपको इसे एक्टिव कर लेना है। जैसे एक्टिव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टॉप में। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे ऐड न्यू एलिमेंट पे क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है हुक एंड आपको क्लिक करना है क्रिएट पे।
उसके बाद सिंपली आपको जो कोड मिलेगा उसे आपको पेस्ट कर देना है। लेट मी कॉपी इट अगेन, और इसे आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ओके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कोड को। यहाँ पे टॉप में आप कुछ भी लिख लीजिए, मेरे केस में मैं लिख देता हूँ स्क्रॉल, और डैश लगा के एक हम लिख देते हैं एक्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग एक्स, बस अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है डब्ल्यू पी बॉडी ओपन, कि जैसे बॉडी टैग ओपन हो वहाँ पे ये कोड हमें पेस्ट करना है। बेसिकली हुक या फिर एलिमेंट से हम यही सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन आपको एग्जीक्यूट पीएचपी पे क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है डिस्प्ले रूल पे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कुछ ऑप्शन, जैसे कि हमें ये चीज कहाँ शो करना है। हमें शो करना है सिर्फ पोस्ट में, इंटायर साइट पे नहीं करना है, क्योंकि अजीब लगेगा हर पेज पे स्क्रॉल। बेसिकली आपको पोस्ट पे ही करना चाहिए, बट अगर आप सारे साइट पे इंटायर साइट पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इंटायर साइट। मेरे केस में मैं चाहता हूँ सिर्फ ये पोस्ट में दिखे, पोस्ट मतलब ऑल पोस्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक पोस्ट पे भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कर देना है पब्लिश। जैसे आप पब्लिश करेंगे आपको क्लियर कर लेना है यहाँ से कैश। जैसे आप कैश क्लियर करेंगे आपको एक अपडेटेड डेटा मिलेगा। हम आ जाते हैं इकॉग्निटो मोड में, और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमें किसी भी पेज पे देखिए अभी स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, बट अगर हम किसी पोस्ट पे क्लिक करें तो ऊपर देखिए एक स्क्रॉल बार आ रहा है, जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे ब्रांड कलर से ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, सबसे पहले ये हेडर फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर फिक्स रहेगा तो मेन्यू के साथ ये दिखेगा, देखिए कितना बेकार दिख रहा है। तो मेरे केस में बहुत सारे लोग हेडर फिक्स यूज कर रहे हैं, यानी कि एक स्टिकी नेविगेशन यूज कर रहे हैं, वो चीज़ आपको ऑफ कर देनी है। देखिए मैंने भी अपनी वेबसाइट पे ऑफ करके रखा है तभी अच्छा लग रहा है, नहीं तो सोचिए यहाँ पे मेन्यू दिखेगा और उसके बाद ये स्क्रॉल बार, कितना अजीब लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे कस्टमाइज पे आना है, ऑलराइट। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है साइट लेआउट, उसके बाद आना है आपको स्टिकी नेविगेशन। ये चीज़ अभी ऑन है, इसे आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। जैसे ऑफ करेंगे ये चीज़ आपका डिसेबल हो जाएगा, कोई नीड नहीं है यहाँ पे स्टिकी नेविगेशन का। एंड बहुत सारी चीज़ें, एक आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दो चीज़ एक साथ मर्ज करके हम दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बेकार दिखेगा। आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, बट यहाँ पे देखिए कितना बेकार लग रहा है जब हम ऊपर स्क्रॉल बार लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे मेन्यू के साथ ये चीज़ दिख रही है। और अगर हम यहाँ पे क्लियर कैश कर दें तो अभी देखिए मेन्यू आपकी गायब हो जाएगी, मतलब कि ऊपर हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड हियर वी गो, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मेन्यू उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं देख लूँ कितना टाइम मैंने ले लिया, मैंने इतनी बातों के लिए 10 मिनट ले लिया, कैन यू बिलीव। ओके अब हम देख लेते हैं कि कैसे इस स्क्रॉल बार को हम कस्टमाइज करेंगे। स्क्रॉल बार को हम कस्टमाइज करेंगे बहुत आसानी से। सबसे पहले स्क्रॉल बार का जो कलर टोमेटो कलर आ रहा है उसे हम चेंज करना देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस बार, उसके बाद यहाँ पे कलर है, यहाँ पे आप अपना कलर कोड पेस्ट कर दीजिए या फिर कोई भी कलर ले लीजिए। मेरे केस में अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, लेट्स चूज माय ब्रांड कलर 10B, वन सेकेंड, 10B98E, इट इज़ आ ब्रांड कलर। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेमी कॉलन यूज करना है। हमने ब्रांड कलर से सेव किया और उसके बाद हम क्लियर करेंगे कैश, उसके बाद आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पे और हम करेंगे रिफ्रेश। एंड यस, आप देखिए ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है, तो कोई भी कलर आप चूज़ कर लीजिए। रेकमेंड करूँगा कि जो हेडर का कलर है वही डालिए। मेरे केस में मुझे हेडर का कलर कोड नहीं पता था, हम पिक कर सकते हैं बट यस ऐसे आप करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आपको देखनी है कि इसकी जो हाइट है बहुत मोटी आ रही है एज़ कम्पेयर देन मेरे वेबसाइट के। तो इसकी जो अभी करेंट हाइट है दैट इज़ 10 पिक्सल, इसे हम कर देंगे 7 पिक्सल। तीन जगह आपको चेंज करनी है, यहाँ पे भी आपको करना है 7 पिक्सल, और एक जगह कहीं और 10 पिक्सल है यहाँ पे, इसे करनी है आपको 7 पिक्सल। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर कैश करते हैं। क्लियर कैश करने से हर बार आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा, नहीं तो कोई भी चेंजेस आप करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो चेंजेस आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। ऑलराइट,
आप देखिए कितना अमेजिंग तरीके से ये काम कर रहा है ऊपर का स्क्रॉल, एस जस्ट लाइक माई वेबसाइट। आप देखिए मेरे वेबसाइट पे ऐसे ही है और आपकी वेबसाइट पे भी ऐसे ही हो जाएगा। ऑल राइट, एंड यस, दिस इज हाउ यू कैन ऐड स्क्रॉल बार और यू कैन से रीडिंग मीटर ऑन योर वेबसाइट विदाउट प्लगइन। एक राज की बात बताऊं, मैं अपनी वेबसाइट पे प्लगइन के थ्रू ये अभी तक कर रहा हूं। इस वीडियो के बाद मैं भी अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं प्लगइन यूज़ कर रहा था रीडिंग मीटर नाम का, और बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा था कि भाई हमें आप बताओ कि कैसे ये चीज़ बिना प्लगइन का होगा और कैसे होगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे एंड मेल्स आ रहे थे एंड कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि ये चीज़ कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं आपके सजेशन से मैं एक टॉपिक पिक करता हूँ और उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो ऐसे ही अपने सजेशंस आप इनबॉक्स में डाला करिए, कमेंट सेक्शन में डाला करिए। हो सकता है कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सबके लिए। अगर ऐसा है तो आपको वीडियो डेफिनेटली मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट रीडिंग मीटर ऑन योर वेबसाइट, और कहीं ना कहीं इससे एक यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाएगी। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये पार्ट कैसे बनेगा। यार बहुत आसान है, लेकिन कमेंट्स इसके लिए भी बहुत सारे आए हुए हैं। सो मैं इसे भी कवर करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग।